हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है एक और नए पावरफुल वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देख लेना। रेपचर कब होगा? वीडियो बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देख लेना, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। देखिए, जब यीशु मसीह आएगा हम सबको लेने, विश्वासी को लेने, रेपचर में लेने आएगा। यीशु मसीह अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा कि जाओ भैया, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है उनको बदल कर उठा लो, उनको क्या बदल कर उठा ले आओ। जब यीशु मसीह आएगा हम सबको लेकर चला जाएगा, और जो लोग यहाँ पर रह जाएंगे, मतलब रैप्चर में यीशु मसीह के साथ नहीं जा पाएंगे, वे छूट जाएंगे, उन लोगों के लिए बचेंगे सिर्फ 7 साल मसीह विरोधी के दिनों में, तब चालू हो जाएगा मसीह विरोधी का राज्य। जो लोग यहाँ पर रह जाएंगे भूख प्यास के मारे तड़प तड़प के मर जाएंगे, जो लोग यीशु के साथ नहीं जा पाएंगे वे चिंताओं में हार्ट अटैक से मर जाएंगे। कुछ लोग बच जाएंगे जिनके पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छा ऐसा अच्छा सब कुछ है, वे लोग 7 साल तक शायद जिंदा रहेंगे। तब यही लोग मसीही विरोधी के दिन में अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागेंगे, अपने आप को बचाने के लिए। जब परमेश्वर का कहर बरसेगा इस धरती पर कहर बरसेगा, जब परमेश्वर का, अभी बहुत घमंड है ना अपनी संपत्ति पे, धन दौलत पे, जमीन जायदाद पे अभी बड़ा घमंड है। ऐसे लोगों को परमेश्वर बहुत तड़पाएगा। यह कोई मजाक या मस्ती नहीं है, जो होगा और जो होने वाला है वही आपसे बताया जा रहा है। मजाक मस्ती अपनी जगह, आंख खोल के वीडियो को ध्यान से देख लेना। यीशु का कहर आप नहीं सह पाओगे, अभी समय है, लास्ट चेतावनी परमेश्वर दे रहा है। या मरो, मन फिराओ या नाश हो जाओ, पश्चाताप करो या लौटाओ। प्रकाशित वाक्य के 22:7 में लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। कौन कह रहा है भैया? यीशु मसीह कह रहा है, देख मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूँ, और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। याद रखना, जो आप पाप कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, गिन गिन के परमेश्वर लिस्ट बना रहा है। जब आपका न्याय करेगा परमेश्वर श्वेत सिंहासन के सामने, तब वही लिस्ट खोल के परमेश्वर आपको दिखाएगा और कहेगा, देख ले तूने क्या क्या काम किए हैं, तूने क्या क्या पृथ्वी पर रहकर कितने गंदे घिनौने नंगे पाप किए हैं, देख ले अपनी आंखों से। याद रखना, जो पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को यीशु मसीह स्वर्ग नहीं देगा। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह 2030 में आएगा, 2024 में आएगा, या सन 2000 में आएगा। अरे यीशु मसीह ने कहा है, ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी के विषय में जानते हो, तो तुम कौन हो कहने वाले कि यीशु मसीह आ जाएगा या कल आएगा। यीशु मसीह ने किसी के ऊपर ये प्रकट नहीं किया है। जो स्वर्गदूत जो परमेश्वर का मुंह देखते रहते हैं, जब उनको नहीं पता है तो हम क्या चीज हैं कि हम कह सकते हैं प्रभु आ जाएगा या कल आएगा। वो अचानक आएगा, अचानक अपने दूतों के साथ आएगा, जैसा लिखा हुआ 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-17 में। वीडियो ध्यान से देख लेना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं और जो मसीह में मर चुके हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे नए आकाश नए यरूशलेम में। जब यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा, आएगा अपनी कलीसिया को लेने, दुल्हन को लेने, जो सबसे बड़ा प्रधान दूत होगा, जो स्वर्ग दूत होगा, जो परमेश्वर की तुरही फूकेगा, जो तुरही फूकी जाएगी, तुरही फूकते ही जितने प्रभु पर विश्वास करते करते मर गए हैं, मर चुके हैं, वे सब पहले जी उठेंगे, और जो जिंदा हैं, जो जीवित हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, ईमानदारी से विश्वास कर रहे हैं, इन सब को परमेश्वर स्वर्ग में उठा लेगा, स्वर्ग में बदल कर उठा लेगा। उनका शरीर बदल जाएगा, उनका शरीर स्वर्गीय देह में हो जाएगा। तुरही फूकते ही मुर्दे अविनाशी दशा में उठ खड़े होंगे, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, उनमें हड्डी और मांस आ जाएगा। ये कौन परमेश्वर करेगा? तुरही फूकी जाएगी, तुरही में इतनी सामर्थ होगी मेरे प्रिय। और आगे लिखा, पर
और जो कुत्ते हैं और व्यभिचारी हैं और जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो टोना टोटका करते हैं, गाली देने वाले, झूठ बोलने वाले, चुगली करने वाले, हत्या करने वाले, चुगली करने वाले, ऐसे घिनौने काम करने वाले आग की झील में तड़पते रहेंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर बहुत तड़पाएगा जो उनके सहनशीलता से बाहर होगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:2-2 और 4-6 में हम पढ़ देते हैं आपके लिए बाइबल से प्रूफ। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। हमें नहीं पता है मेरे प्रियजनों, चोर आता है घर में सेंध लगा के चोरी करके चला जाता है, उस समय कोई नहीं जानता है। उसी प्रकार से गुप्त में आएगा यीशु मसीह, गुप्त में अपने दूतों के साथ आएगा। याद रख लेना, अचानक परमेश्वर आएगा। रात में भी आ सकता है, दिन में भी आ सकता है, सुबह आ सकता है, कभी भी आ सकता है। इसलिए यीशु ने कहा है, तुम जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, कहीं तुम्हारे मन खुमार ना हो जाए, कहीं तुम्हारे मन जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए, वो दिन तुम पर अचानक फंदे की तरह आ पड़े। यीशु मसीह ने कहा है, चोर के समान प्रभु का दिन आने वाला है। चोर की नहीं, यीशु मसीह आ जाएगा। चोर के समान यीशु मसीह आ जाएगा, आ जाएगा। तैयार रहो, हर समय तैयार रहो, हर समय तैयार रहो, हर समय तैयार रहो। और आगे 4 में लिखा, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नहीं आ पड़े। मेरे प्रियजनों, वचन साफ बता रहा है, हम सभी अंधकार की संतान है, ज्योति की संतान है। हम सभी को तो मालूम ही है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने जब कह दिया है तो हम क्यों अज्ञान रहे, क्यों अज्ञान रहे मेरे प्रियजनों। आगे लिखा 6 में, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। मेरे प्रियजनों, वचन साफ बता रहा है, जो संसार में खोए हुए हैं, पापों में खोए हुए हैं, दुनिया की भीड़ में खोए हुए हैं, हमें नहीं सोना है, हमें अज्ञान नहीं रहना है। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही से कह दिया है कि मैं अचानक आऊँगा। इसलिए आप उन 5 समझदार कुंवारियों की तरह तैयार रहना है, तैयार रहना। यहाँ पे छूट नहीं जाना है। जो यहाँ पर छूट जाएगा उसका तो भैया बहुत ही बुरा हाल होगा। लिखा दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:8-9 में, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा और लिखा हुए प्रभु के सामने से उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। जो परमेश्वर को नहीं जानते ही नहीं है और जानते हैं फिर भी नहीं मानते हैं, उसके वचनों को ठट्ठों में उड़ाते हैं, नहीं मानते हैं, उनसे परमेश्वर पलटा लेगा, लेखा लेगा। क्योंकि वे देखते हैं, सुनते हैं, फिर भी वे अंधे और बहरे हैं। आगे लिखा, जब परमेश्वर न्याय करेगा, न्याय करके परमेश्वर ने अनंत विनाश का दंड देगा, जो नर्क की आग है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ की आग नहीं बुझती है, ऐसे लोगों को वहाँ पे परमेश्वर तड़पाएगा। प्रकाशित हुआ कि 20:10 में लिखा हुआ, ध्यान से वीडियो को देख लेना, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये तीनों पीड़ाओं में तड़पते रहेंगे जो आज मसीह लोगों को भरमाते हैं, पाप में, व्यभिचार में जो गिराते हैं, जो शैतान, जो मसीह विरोधी होगा, इन सब को परमेश्वर न्याय करके अनंत आग में झोंक देगा। और जितने उनके पीछे चलते हैं उनको परमेश्वर बहुत तड़पाएगा, उनके सहनशीलता से बाहर होगा। और आगे प्रकाशित वाक्य में लिखा 21:8 में, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पुंजकों और इन सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या तो दूसरी मृत्यु है। ऐसे लोगों को दूसरी मृत्यु दी जाएगी, जो मूर्ति पूंजक करते हैं, जो डरपोक हैं, जो डर जाते हैं, प्रभु पर विश्वास करने के बावजूद भी डरते हैं, इंसानों से डरते हैं, और जो व्यभिचार करते हैं, मूर्ति पूंजक